हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मेरी दुआ है। तो आज बच्चों की फरमाइश है, एक को मैगी चाहिए, एक को पराठा चाहिए। तो बिस्तर में लेटे लेटे ही फरमाइशें चालू है सबकी। ये देखो, ये मोहसिन क्या खाने वाले आज? मैगी। एक ही मैगी है। हुसैन क्या खाएंगे आप? मैगी। अभी मैगी तो मैं नहीं बना रही, मैं अभी आटा गूंद रही हूँ बस। मैगी नहीं है घर में और लाने ही पड़ेगा। नहीं ना, लेकिन हमने कल बोले थे ना कुछ लाना नहीं अभी बाहर से, बस नहीं लाना है। तो मैं भी आटा गूंद रही हूँ और पराठे बना रही, बस पराठे खाएंगे, समझे? नहीं। हाँ बस हो गया। ये देखो मुझे क्या चाहिए। तुम लोग की फरमाइश चालू थी ना, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए मैं तो मैंने हुसैन के वास्ते एक डिश बनाई। चावल थे घर में तो मैंने उस चावल को फ्राइड राइस बना डाली। शिमला मिर्च थी, प्याज डाली हूँ, सोया सॉस और शेजवान चटनी और टमाटर केचप, बस उसी से देखो कितनी मस्त बेहतरीन मेरी फ्राइड राइस बन गई बचे हुए चावल के रात के। तो ये मेरी फ्राइड राइस रेसिपी रेडी हो गई। अब एक को देंगे ना तो सब बोलेंगे हमको भी चाहिए, मगर चावल थोड़े ही थे, अब देखेंगे। हुसैन की ये फ्राइड राइस। यस, फ्राइड राइस। हमको पास्ता कैसे मिला? इतने जल्दी कैसे बना? हाँ ना, इतने जल्दी बनाए ले वाले साम में नहीं। चावल बचे हुए थे ना रात के, उसके बनाए। हाँ जल्दी बनते हो। थोड़ा ही है, थोड़े चावल थे हम खा रहे थे। अभी मोहसिन को दे रहे हम वो। अम्मा मेरे लिए ले क्या? अब तो मैगी खा रहे थे ना, करे तो हुसैन को तो पसंद आ गए हमारे फ्राइड राइस। आप भी बचे हुए चावल का इसी तरह से बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अच्छा, और मुझे हाँ चावल वेस्ट में मत जाने दीजिए। कुछ नहीं होता बासी मान। अब देख रहे गरीब के बच्चे कितने फिर खाना मिलता नहीं। बोला मेरे को बच्चा पढ़ते पढ़ रहा है, झूठ बोला। हाँ गेम गेम गेम। मोहसिन 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 मार खाना है क्या भाई? पढ़ाई कर रहा ना। तो फ्रेंड्स अभी मैं सामान लेके आई हूँ, बच्चे लोग की फरमाइश है कि मिसल पाव बनाओ मम्मी। तो मैं गई थी बाहर लाने, लेकिन आज भाई दूज का है कुछ त्यौहार तो दुकानें भी बंद है, शॉप भी बंद है। जैसा वैसा मिला मुझे मटकी पाव लेके आई हूँ, मैं अभी बनाऊँगी तो आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। देखो ये लादी पाव लेके आई मैं पैकेट में। तो हम डालेंगे सबसे पहले तेल, अब इसमें डालेंगे हम जो प्याज है मैंने पीस ली हूँ, तीन प्याज बारीक मिक्सर में पीस लेना। प्याज अभी भून गई, अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भूनेंगे। अभी हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी, भूनेंगे अच्छे से। चार पांच हम कड़ी लीव्स डालेंगे। क्या चालू है? कुछ नहीं। क्या चालू है? कुछ नहीं है ना। हाँ ये ले लो। हाँ क्यों चाहिए लेकिन नाइफ? क्या कर रहे देखेंगे ये लोग, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। अरे क्या है वो सिंको गरीब बना? क्या चालू है? चटनी है। कपड़े क्या तोड़ो, क्या चल रहा है तुम लोग का? हाँ अच्छा ये, अरे लग जाएगा नहीं। अम्मा कट के देखो, लाल लाल हो गया। बहुत देर के तो हंस रहा है मुझे। क्या चल रही है? अरे हाथ कट जाएगा। ए हाँ वैसे काट, ढक्कन पर रखो, ढक्कन पर रखे काटो। क्या काट रहे? अरे वैसे नहीं। अच्छा बालूशाही, अच्छा ये बालूशाही आई है तो देखो कैसे मेजरमेंट करके काट रहे हैं लोग। सर को क्या है इतने सारे कपड़े? अभी घड़ी कर रही है वो बेचारी बच्ची जैनब, सब कपड़े घड़ी कर रही है। ये दोनों क्या हो एक।
तो फ्रेंड्स मेरा खाना ही पक गया और मेरा काम भी सब हो गया है। बर्तन बर्तन हो गए, साफ़ सफाई हो गई किचन वट्टे की, देखिए। और अब मैं ये भी काट के रखी हूँ, प्याज, कोथमीर और फरसान, लेमन, जो हम मिसल में डाल के खाएंगे। तो अब मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर हम खाने के लिए बैठेंगे। फ्रेंड्स हमारा मसाला रेडी है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अभी हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी रेडी है, इनकी प्लेट रेडी है। मोहसिन मोहसिन को लगती है थोड़ी शुगर जो मिसल में डालते हैं, तो मोहसिन चलो बिस्मिल्लाह करो। मोहसिन का फेवरेट है ना, तो मोहसिन से हम पूछेंगे कैसा बना है। प्याज, लेमन डालो ना, कोथमीर नहीं डाल रहे। डाल रहे ऐसा हाँ। बिस्मिल्लाह नहीं बोले, बोले अच्छा है, सच्ची ना। तो ये हुसैन की प्लेट रेडी हो गई, उसने सब इसमें डाला है, प्याज, कोथमीर, फरसान। तो गाइस देखो, यहाँ पर हमारी जो टाकी है उसके जो ये ग्रीन कलर की पाइप है पूरी, मतलब आगे से आके मोटर के साइड से कट चुकी है। तो अभी पानी तो जा रहा नहीं है, ऊपर ऊपर के जो बैंड होता है उसमें पानी नहीं जा रहा है। तो ये अभी तो अभी मम्मी इधर वही कर रहे हैं, और जो पाइप वैसे कट गई थी उसको निकाल के अभी वो आगे से पाइप लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी वायर जो कट चुकी है, वाटर रिलीफ, अभी वही पाइप दिखाऊंगा, पाइप उसकी अभी यही पाइप लगाने वाले इधर करना पड़ेगा उसको अच्छे से। वो भी मम्मा क्या बोल रहा है, क्लीन कर दो पूरा, बहुत मिट्टी लग गई ना इधर, पूरा क्लीन कर दो। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा डिनर हो गया है, देर हो गई डिनर के लिए क्योंकि मोटर बहुत सता रही थी पानी की, तो टाकी में चढ़ता है पानी, तो आज पानी आया था हमारे यहाँ और मोटर में चढ़ता, मोटर से चढ़ता है वो नीचे एक टाकी हमारे यहाँ, तो उसकी पाइप फट गई थी, तो वो चेंज कर रहे थे, वो चेंज किया सब किया तो भी पानी नहीं चढ़ रहा था। फिर मैंने अपने भाईजान को बुलाई, तो उन्होंने भी आके सब बहुत बेचारे वो भी काफ़ी ये करे कोशिश, मगर क्या वो पानी नहीं चढ़ा क्योंकि अंदर का जो फ़ैन होता है वो ख़राब हो गया है। अभी कल जाकर वो चेंज करा के लाऊंगी मोटर वाले के पास, तो इसलिए मुझको देर हो गई, खाना भी देर से हो गया। अभी देखो रात के कितने, 12:30, रात के 12:30 बज रहे हैं। अभी मुझे ब्लॉग एडिटिंग करना है, उसको जाएगा 1-1.5 घंटा। कभी कभी मैं एडिटिंग करते करते ही सो जाती हूँ, फिर सुबह में उठ के फजर की नमाज़ के बाद थोड़ा करती, इसलिए मुझको लेट हो रहा है, टाइम पे नहीं दे रही मैं। 10-10:30 बज रहे, कभी 11 बज रहे, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि सब काम करना पड़ता मुझको, घर का, बाहर का, बच्चों का, खाना पकाओ और फिर ये वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, तो उसके लिए देर हो, माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह आगे चल के अगर टाइम यानी बैठ गया मेरा सीधे से, तो मैं टाइम पे वीडियो डालते जाऊँगी, इसलिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो मैं रखती हूँ, फिर बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।